नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लुरिया है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे बहुत अच्छी एड कॉपीज लिख सकते हैं अपने सर्च एड कैंपेन्स के लिए। ये टेक्निक जनरली बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स कि हाँ, हमें सारी एक्सटेंशंस ऐड कर देनी चाहिए, हमें एड कॉपीज़ में सारे कैरेक्टर्स को यूज़ करना चाहिए। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेसिस पे आपकी ऐड के CTRs काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, और ये मैंने बहुत अकाउंट्स पे बहुत बारी ट्राई करा हुआ है एंड दिस एक्चुअली नेवर फेल्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा इन डेप्थ में बात करेंगे, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्च एड्स में आपकी एड कॉपीज़ ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपकी एड कॉपीज़ काफ़ी सारे एलिमेंट्स से मिल बनती है। तो इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट कि आपको सिर्फ एक टाइटल या एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब आपको अपनी एड कॉपीज़ में, एक तो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में आपको मल्टीपल हेडलाइंस मेंशन करनी है, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस मेंशन करने हैं, उसके अलावा आपको एक्सटेंशंस भी मेंशन करनी होती है, राइट? और आप जितनी ज़्यादा एक्सटेंशंस मेंशन करते हैं, आपके चांसेस ऑफ एड CTRs बीइंग हायर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या करें कि जिससे मेरी एड पे ज़्यादा क्लिक्स आएँ और मेरे कॉम्पिटिशन को मैं बीट कर सकूँ? तो उसका एक तरीका है कि सबसे पहले आपको अपने कस्टमर्स को कॉल करना है और उनसे पूछना है कि उन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा क्यों है आपसे, ठीक है? सो व्हाट मेड देम बाय लाइक यू नो योर प्रोडक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, या उन्होंने लीड क्यों फिल करी, या उन्होंने आपसे परचेज क्यों करा? तो मैं बात कर रहा हूँ जो एंड पॉइंट कस्टमर है, राइट? तो उनसे आप बात करिए, ठीक है? ये जो नए बिजनेसेस हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अब उनको हो सकता है उनके पास कस्टमर्स ना ही हों, मतलब अभी बिजनेस शुरू करा है, फ्रेश अकाउंट है, सर्च एड्स काम करना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि वो अपनी फिर एड कॉपीज में लिखेंगे और कंपटीशन भी अच्छा खासा है। उस केस में उनको थोड़ा इनिशियली वेट करना पड़ेगा कि हाँ, उनके कस्टमर्स थोड़े बन जाएं, उसके बाद उनसे कॉल करके पूछें एंड देन एड्स को ऑप्टिमाइज़ करें। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अपने कॉम्पिटिशन को कॉल करिए, अपने कॉम्पिटिशन से बात करिए, अपने कॉम्पिटिशन के कस्टमर्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए और उसको इनकॉर्पोरेट करिए, लेकिन अपने तरीके से और अपने प्रोडक्ट में वो चेंजेस करके फिर उसको मेंशन करिए अपने एड कॉपीज़ में। अगर ये भी बहुत ज़्यादा है तो आप सिंपल एड कॉपीज़, आप क्या करिए, आप कीवर्ड को टाइप करिए इनकॉग्निटो मोड में, आपके कंपटीशन ने जो भी लिखा है, जो भी वेबसाइट्स हैं, उससे आप बेटर करने की कोशिश करिए, ज़्यादा डेविएट मत करिए। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर्स हैं और आप अपने कस्टमर से बात करते हैं और आपका कस्टमर बताता है कि मैंने आपका प्रोडक्ट इससे खरीदा क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, दैट मीन्स दैट पॉसिबली कि अगर उसको कॉम्पिटिशन में वो चीज़ नहीं मिली या उस कॉम्पिटिशन ने अगर वो ऑफर भी करी तो उनको वो अच्छा नहीं लगा। अब आप उन कीवर्ड्स को उठाइए या उन USPs को उठाइए या उन अच्छे पॉइंटर्स को उठाइए जो उन कस्टमर्स ने आपको बताए, और उनको अपनी एड कॉपीज़ में डालिए अलॉन्ग विद योर कीवर्ड्स, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मतलब आपका प्रोडक्ट है लोन रिलेटेड है, होम लोन है, कार लोन है, या वैसा BFS रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, एंड उसमें वो मेंशन करते हैं कि हाँ, हमें आपका जो लोन मिला वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा लगा हमें, कम था, हमें सर्विस अच्छी मिली आपकी, जो आपके रेप्स थे वो काफ़ी अच्छे थे बात करने में। इन दैट केस लाइक मेंशन ऑल ऑफ दैट इन योर एड कॉपीज, और आपको रिजल्ट्स में काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। अब ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहले, जो आप रेगुलरली अपने कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे थे, आप उनको एड कॉपीज में लिख देते हैं, उसका कोई ऑफर वगैरह डाल देते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जब बंदा कोई सर्च कर रहा है, उसकी एक तो ऑब्वियसली इंटेंट कुछ तो अच्छी है, कुछ तो उसके दिमाग में है कि मेरे को एक क्यों सर्च करना है, ही इज़ लुकिंग फॉर समथिंग, तो ही इज़ ऑल्सो एसोसिएटिंग विद अदर थिंग्स कि मेरे को अगर ये भी मिल जाएगा ना तो मैं ये वाली चीज़ें भी ले लूँगा या ये वाली चीज़ें भी कंसिडर करूँगा। सर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हाई इंटेंट यूजर्स होते हैं वो कभी भी एक सर्च पे नहीं रुकते हैं, वो जनरली मल्टीपल सर्चेस करते हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं या ई कॉमर्स पे खरीदते हैं या कोई और सर्विस लेना चाहते हैं। तो इट्स नॉट लाइक अ थिंग कि हाँ, वन टाइम डिसीजन है तो मैंने एक बार क्लिक करा और हो गया, दैट्स क्वाइट रेयर, ठीक है? तो उस केस में आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, अगर बंदे का काफ़ी इंटेंट काफ़ी अलग है, उस केस में मेरे को उसको एड कॉपीज में भी काफ़ी अलग वैरायटी दिखानी चाहिए, नॉट जस्ट व्हाट कंपटीशन इज शोइंग, नॉट जस्ट व्हाट द स्टैंडर्ड इज। एंड द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस कि अपने कस्टमर से पूछो और उसको एड कॉपीज में डाल दो। अब उसमें भी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं कि सर, आपकी ना ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ अच्छी लगी, ये प्रोसेस अच्छा था, वगैरह वगैरह। तो आपको उसको अब द बेस्ट थिंग इज कि आप उसको रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में डाल दो। उसके बाद द वे वॉट पीपल डू इज कि वो सारे हेडलाइंस में, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सारी हेडलाइंस में वो सारे कीवर्ड्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है? बट द थिंग इज कि आप यहाँ पे दो हेडलाइंस को पिन कर सकते हो, तीसरे को आप क्या कहते हैं वेरिएबल रख सकते हो, या अगर आपको वो भी नहीं करना है, वॉट यू कैन डू इज कि आप इसमें यहाँ पे जो भी हेडलाइंस हैं कीवर्ड्स मेंशन कर दो, कीवर्ड्स वाली हेडलाइंस अलग कर दो,
उसके अलावा कुछ हेडलाइंस वो ऐसी कर दो जिसमें आप अपनी USPs लिखो और उसको जेनरिक रखो उस केस में, ठीक है, जो आपके कस्टमर्स ने आपको बताया वो करो. नॉट टू ट्राई कि हाँ मेरे को सारी हेडलाइंस में सिर्फ कीवर्ड 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 स्टफ करना है, वो मत करना. और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, यू कैन ऐड लाइक मल्टीपल, आई थिंक यू कैन ऐड 15 हेडलाइंस, राइट? तो आप 15 हेडलाइंस इसमें ऐड करो और उसके बाद रिजल्ट देखो कि आपको कौन सी हेडलाइन पे वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं. नहीं मिल रहा है उसको पॉज कर दो आप, ठीक है, उस केस में आप उसको उस हेडलाइन को हटा दो या उस हेडलाइन को पॉज कर दो यहाँ पे. सेम वे इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर कि आप जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो उसको डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे पहले आप कीवर्ड्स ऐड करो. चारों डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड्स मत ऐड करो, एक एक या दो में आप कीवर्ड्स ऐड करो, कीवर्ड रिलेटेड डिस्कोर्ड बनाओ ताकि वो कीवर्ड हाईलाइट हो जाएगा जब वो सर्च होगा. उसके बाद जो बाकी दो आपके डिस्क्रिप्शन हैं आप उसमें क्लियरली अपने USPs जो आपके कस्टमर्स ने बताया है उसको मेंशन करिए अपनी एड कॉपीज में. दैट यू शुड लाइक रियली फोकस ऑन. उसके अलावा ऑब्वियसली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कैपिटलाइज एंड यूज ऑल द कैरेक्टर्स पॉसिबल. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, थोड़ा अगर ग्रामर में आपको इंग्लिश ट्वीक करनी पड़े तो आप वो भी करिए. मेक श्योर कि आप यहाँ पे हेडलाइंस में 30 कैरेक्टर्स मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में 90 प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं. सो आप जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा रियल एस्टेट मिलता है सर्च में, और सर्च में आपको जितना ज़्यादा रियल एस्टेट मिलेगा आपके CTRs के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. दैट्स वाई द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज ऑफ एज मच एज एक्सटेंशन आर पॉसिबल. आप अगर आप साइट लिंक एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको 8 साइट लिंक्स बनाने तो आप 8 साइट लिंक्स बनाइए, लेकिन उसमें सब में सिर्फ एक जेनरिक लाइन या लिंक्स मत दीजिए. जस्ट मेंशन समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. एंड अगेन कस्टमर से आप बात करेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन उनसे निकाल के अपनी एड कॉपीज में डालेंगे उतना बेटर रहेगा. जितने भी आप वेरिएशन आप देख सकते हैं आप एक्सटेंशन के, कॉल आउट एक्सटेंशन, तो आपको कुछ एक्सटेंशन तो अपने कैंपेन्स में हर कोई यूज़ कर सकता है, जो कि साइट लिंक्स, कॉल आउट्स, कॉल एक्सटेंशन है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स है. अब हो सकता है कुछ केसेस में आपके पास ऐप एक्सटेंशन ना हो या लीड फॉर्म एक्सटेंशन आपके बिजनेस के लिए वैलिड ना हो, प्रमोशन एक्सटेंशन या प्राइस एक्सटेंशन, तो आप ये अवॉइड कर दीजिए. लेकिन जहाँ पे भी आप सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्सटेंशंस की उनको टू द मैक्स यूज़ करिए, ठीक है, और ट्राई टू यूज़ डिफरेंट एक्सटेंशंस या डिफरेंट यू कैन से वेरिएशन ऑफ एक्सटेंशंस फॉर डिफरेंट कैंपेन्स एंड डिफरेंट एड ग्रुप्स इफ पॉसिबल. सो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक तो स्टैंडर्ड जो होता है ना कि स्टैंडर्ड सारी एक्सटेंशंस सारे कैंपेन्स के लिए सेम रखते हैं और उसको अक्रॉस द अकाउंट शेयर कर देते हैं और वो अकाउंट लेवल पे सर्व हो रही होती है. आई वुड सजेस्ट कि आप उसको कैंपेन लेवल पे अलग करिए एंड उसमें ये देखिए कि आप कैंपेन जो बना रहे हैं, लेट्स से आपका कैंपेन अगर एग्जैक्ट मैच के लिए है तो एग्जैक्टली वो बंदा एग्जैक्टली वो सर्च कर रहा है, तो उसकी इंटेंट काफ़ी अलग है, उसकी इंटेंट काफ़ी हाई है, तो आपको एक्सटेंशन ऐसी देनी कि ताकि वो उस पर बंदा क्लिक करके कन्वर्ट हो जाए. जहाँ पे आपके कैंपेन थोड़े ब्रॉड मैच पे चल रहे हैं वहाँ पे मे बी द पर्सन इज लुकिंग एंड जस्ट यू सर्फिंग अराउंड, उस केस में आपके जो एक्सटेंशन हैं दे शुड टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ योर USP प्लस समथिंग रिलेटेड टू योर ब्रांड प्लस ऑल्सो एटलीस्ट इट मेक्स देम क्लिक ऑन द एड. ऐसा नहीं है कि उनको अभी इंटेंशन नहीं है कम्प्लीटली खरीदने की बट दे आर स्टिल लेट्स से इन द मिडल फनल बट दे आर नॉट एबल टू क्लिक ऑन योर एड बिकॉज उनको कुछ अच्छा नहीं मिला है. अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्स ही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लाइक फोकस करेंगे लोअर फनल पे, सोचते हैं वो ना क्लिक करें. सो मेक देम समथिंग एल्स विच मेक्स देम एटलीस्ट ब्राउज द वेबसाइट इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स having separate extensions group for you can say separate campaigns, let's say that is going to be different. आप different ad copies, ad combinations as plus ad group and as plus keyword करेंगे तो आपको different result मिलेगा. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि okay मैंने 15 headline का variation बना दिया, मैंने उसी को 3-4 ad group में use करा या उसको एक पूरे उसको campaign में use करा. What happens is कि एक चीज़ आपके जो जो बंदा एग्जैक्टली जो सब सर्च कर रहा होता है उसको एड कॉपी में एग्जैक्टली वही चाहिए होता है. तो अगर आपको CTR ज़्यादा ड्राइव करने तो यहाँ टू मेक श्योर कि एड ग्रुप लेवल पे जो एड ग्रुप है उसकी रिस्पॉन्सिव सर्च एड जो एड्स हैं वो सेपरेट बने, हर एक एड ग्रुप की अलग बननी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कीवर्ड पीपल आर सर्चिंग फॉर. फॉर एग्जांपल इफ पीपल आर सर्चिंग फॉर लेट्स से डेटा साइंस कोर्स, डेटा साइंस ट्यूटोरियल, डेटा साइंस certification, all these three cannot have a symbol or same keyword in the you know ad copies like data science courses. Data science courses ka alag banega, data science tutorial ka alag banega, data science certification ka alag banega. So, all of this combined gives you a delta change in the ad copies and the ad copies CTRs basically jo result drive karte hain. Bahut log bahut chote chote changes karte hain and that's a huge mistake ki aap ad copies mein bahut zyada changes nahi kar rahe ho ya bilkul changes kar hi nahi rahe ho. तो आपको अगर करना भी है, लेट्स से आप कहते नहीं यार मेरा कैंपेन परफॉर्मेंस अगर डिप हो गया तो मैं क्या करूँगा उस केस में, डू इट इन अ स्टैगर्ड वे. एक हफ्ते में एक चेंज करो, दो हफ्ते में भी एक चेंज करो, लेकिन चेंजेस और ज़्यादा करो एंड कीप टॉकिंग टू योर कस्टमर्स एज योर प्रोडक्ट इवॉल्व्स. अपर कस्टमर
का फीडबैक भी थोड़ा इवॉल्व होता दिखेगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट कुछ और था, अब थोड़ा फीडबैक कुछ अलग हो गया है, प्राइसिंग अलग हो गई है, दैट्स व्हाई दे हैव ब्रॉट इट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड विल डेफिनेटली गेट यू द डेल्टा इन द CTRs एंड द मोर क्लिक्स इन द सर्च एड्स व्हिच यू आर लुकिंग फॉर. सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.